साईनगर शिरडी के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तैयार है और हमारे साथ मौजूद हैं देश के अलग अलग कोने से आए हुए साई भक्त। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके की ये सुविधा है। अगर हम इस ट्रेन की बात करें, कितनी जरूरत थी इस ट्रेन की, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीलम विकास राउत, मैं पालगढ़ से आई हूँ। ये ट्रेन की जरूरत थी क्योंकि साई भक्त बहुत बढ़ गए हैं और सबको तकलीफ हो रही थी शिरडी जाने की, तो ये ट्रेन से वो जल्दी जा सकते हैं और जल्दी आ सकते हैं। एक एक दो दो रुकना पड़ता था, अभी उधर रुकना नहीं पड़ेगा, एक दिन में जाके आ सकते हैं शाम को। अच्छा, ये ट्रेन तेजी से चलेगी, एसी ट्रेन है, लेकिन किराया ज़्यादा है, क्या कहेंगे? अरे भाई, कंफर्ट के लिए थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। ये कार लेके जाएंगे तो इससे चार गुना किराया बढ़ जाता है। और एक है, मोदी है तो सब मुमकिन है, यही कहना है मेरा सबको। और ये सुविधा 5 घंटे 20 मिनट में, कहा इतना लंबा सफ़र तय करेंगे हम लोग, खाने पीने की सुविधा है, पूरा एसी ट्रेन है। और अब साई भक्त है, साई का नाम लेते लेते 5 घंटा यूं ही बीत जाएगा हमारा, अच्छे से जाएगा। क्या नाम है आप? सुमेधा चौधरी, विरार से। यहाँ आप समझिए, साई भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात है। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से? मैं विरार से हूँ, मेरा नाम दिलशाद शेख है, मैं मोमेडियन हूँ, लेकिन खास ट्रेन और साई के लिए मैं जा रही हूँ। तो साई भक्त हैं, कितने दिनों से जाती हैं आप? नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, 2-3 बार जा चुकी हूँ, ये ट्रेन में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैंने सुना है कि जो साई के दरबार में आता है और बार बार पहुँचता है, ऐसी क्या खूबी है? मैं उनका नाम है, उनके भक्त है, उनकी करामत है, उनकी हर चीज़ है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि करामत है साई में। और यहाँ पर कुछ और भक्त हैं, क्या नाम है आपका? भारती देसले, विरार से बात कर रही हूँ। मैं साई के लिए गाना बोलती हूँ, गाड़ी के लिए। तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत फिरवीन, साई बाबा मी शिर्डीला वंदे भारत ने येईन, साई बाबा मी शिर्डीला वंदे भारत ने येईल। आप समझिए कि वंदे भारत के लिए भी गीत बन गया है, क्योंकि साई ने ये ट्रेन शुरू की है। आपका क्या शुभ नाम है? और मैं जानना चाहता हूँ, पूरे देश में हो रहा है कि 4-4 ट्रेनें वंदे भारत महाराष्ट्र को दे दी, बिहार को नहीं दी आपने, और दूसरी जगह हैं जो जैसे राजस्थान के लोग कह रहे हैं हमको ट्रेन नहीं दे रहे हैं और महाराष्ट्र को 4 ट्रेनें दे रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? ज्योति कुलकर्णी मेरा नाम है। महाराष्ट्र नाम से ही महाराष्ट्र है, तो उसके हिसाब से इतनी ट्रेन तो चाहिए ही ना। तो और शिरडी के लिए भक्त बहुत है, और ये ट्रेन चालू किए ना उनकी, उसके लिए पहले मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात, एसी जो कॉमन लोगों को भी लिए अच्छी है, और बाकी सबके लिए ट्रेन कम पड़ती थी, कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता था, उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो जय साईं बाबा, इतना बोलती हूँ मैं। यहाँ पर साईं भक्तों की एक बड़ी तादाद है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के कोने कोने में है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, या नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो, दक्षिण भारत हो, हर जगह से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं जिनसे मैं बात करूँगा। क्या शुभ नाम है आपका? माझं नाव आहे हितेश, रितेश पाटील, मी माहीमवरून आले पालघर, आणि मी मराठी म्हणून मराठीतूनच बोलते, आणि साईबाबावर खूप श्रद्धा आहे आमची, श्रद्धा आणि सबुरी असली की सर्व काही होतं, आणि साईबाबांनी आम्हाला खूप भरपूर काही दिलेलं आहे। आपका ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर एक बड़ी बात है, क्योंकि साई बाबा की अगर हम बात करेंगे तो अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, हर तरीके के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, एक बड़ी तादाद है जो साई बाबा को मानती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बेहतरीन सुविधा शुरू हो रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मुंबई।